मैंने कहा नमस्ते मैं हूं हास्य कवि रोहित शर्मा तो लोगों का चेहरा वैसे ही हो गया जैसे मोदी जी को सुनने आए हो और राहुल गांधी स्टेज पे आ जाए <laughs> लेकिन मैं अब मेरे एजुकेशन की बात करूं तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं बेसिकली तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एंड्रॉयड फोन ये सब बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं आए थे अगर उस समय आपको किसी लड़की को प्रपोज करना है तो दो ही तरीके थे या तो आप दोस्त के थ्रू करो या लव लेटर लिखो मतलब चिट्ठी लिखी जाती थी उस जमाने में भी और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि चिट्ठी का जमाना ही ठीक था क्योंकि उसमें का ऑप्शन नहीं था ना मतलब आज देखो आप हालत क्या है मतलब प्यार किसी के साथ हो रहा है शादी किसी और के साथ हो रही है हनीमून किसी और के साथ ही हो रहा है अरेंज मैरिज से चले थे हम लोग इन रिलेशनशिप तक आ गए है ना लिव इन का बड़ा अद्भुत है बिन फेरे हम तेरे <laughs> लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि लव मैरिज सबसे बेटर है। मैं सबको बोलता हूं जिस जिसकी शादी नहीं हुई तुम्हारी शादी हो गई देखो शादी करनी चाहिए जिंदगी में खुशियां सब कुछ थोड़ी होती हैं <laughs> तो, तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि लव मैरिज सबसे बेटर है क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है लव मैरिज में अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है <laughs> क्या होता है कि जो स्ट्रीम में आप हो जिस फील्ड में आप हो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं अब जैसे मैंने इंजीनियरिंग की मैं कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा रखता हूँ ऐसा मुझे लगता है तो जब भी कोई फैमिली फ्रेंड्स में किसी को भी कोई टेक्निकल प्रोडक्ट खरीदना होता है तो मुझसे एडवाइस लेता है <laughs> अब पिछले दिनों मेरी खुद की एडवाइस की जरूरत ही मुझे पड़ गई क्योंकि मुझे एक लैपटॉप लेना था मैंने ऑनलाइन पूरा अच्छे से सर्च कर लिया पूरी रिसर्च कर ली लेकिन इंडियन मैंटैलिटी होती है हमारी कि जब तक हम स्टोर में जाके लुक एंड फील ना देख लें तो हम कन्विंस नहीं होते है ना जैसे मेट्रीमोनियल साइट पे आपको लड़की पसंद आ जाती है लेकिन आपकी इच्छा तो होती है एक बार मिलो यार <laughs> है ना तो बस वही बात है तो मेरा जो सेल्समैन था उसने भी मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि सर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो सबसे बेस्ट लैपटॉप है वो एस एस का आर ओ जी स्ट्रिक सीरीज का लैपटॉप है और यार वाकई में जब मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन देखी कमाल की स्पेसिफिकेशन मतलब आप देखो राइजन नाइन कोर प्रोसेसर सुपर स्पीड और आप मल्टी करते हैं आजकल हम लोग सब एक तरफ नेट बैंकिंग चला रहे हैं एक तरफ सोशल मीडिया चल रहा है एक तरफ गेम खेल रहे हैं सिक्सटीन जी बी रैम है, है कोई टेंशन ही नहीं स्टोरेज की टेंशन नहीं वन टी बी एस है विंडोज टेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वाईफाई सिक्स है कोई टेंशन ही नहीं तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया परचेस करने का और मैंने परचेस कर लिया घर गया अब जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं आप दिन भर उस थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं उसके फीचर्स देखते हैं चेक करते हैं कि कैसा है तो सुबह से शाम कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला वो तो जब शाम को पापा बेडरूम में आए तब मैंने देखा कि पापा मुझे देख देख के गर्म हो रहे हैं मम्मी हैंग हो गई है लेकिन लैपटॉप ऐसे का ऐसे ही था यार <laughs> और घर वालों तक तो ठीक तो था मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया शाम को कि यार क्या हुआ आज सुबह से ना कॉल ना मैसेज क्या बात है मैंने कहा यार नया लैपटॉप लिया उस पर गेम खेल रहा था अमेजिंग एक्सपीरियंस है तो गर्लफ्रेंड ने कहा अब तक तो मेरे साथ ही गेम खेलते थे <laughs> अब लैपटॉप पे भी मैंने कहा ऐसी बात नहीं यार तेरे में और लैपटॉप में सिमिलैरिटी है उसने कहा क्या सिमिलैरिटी है मैंने कहा तेरा फिगर अच्छा है इसके फीचर्स अच्छे हैं अद्भुत है लेकिन देखो यार मैं वाकई में बताता हूं मतलब हिंजेस इतने अच्छे हैं इसके लैपटॉप एकदम स्टेबल है ट्रैक पैड बहुत अच्छा है मतलब अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये लैपटॉप नहीं ये जैकपॉट है और हो सकता है जितने भी शादीशुदा लोग देख रहे हैं हो सकता है आपको शादी करके पछतावा हो गया हो लेकिन ये लैपटॉप खरीदने के बाद पछतावा नहीं होगा थैंक यू सो मच दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा स्ट्रगल की चक्की तू कब तक आज है मौका टेक्नोलॉजी सुपर लगा